तो आरजू कर रही है अपने बेटे को बाय 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 बुई, आई मिस यू बुआ, जल्दी से देहरादून आना मुझे मिलने, और रो गई। बाय गाइस, जल्दी मिलते हैं। रो गई गाइस, आकू आरजू जा रहे हैं वापस शिमला। बैठे ससुर जी, ये है अमित और रॉय, ये भी तैयार हो गए। आपको अर्जू भी तैयार हो गई है। अर्जू अर्जू हो चुकी है तैयार, आपको भी हो गई है तैयार। बाय बाय गाइस, रोना नहीं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज के ब्लॉग की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है गांव के इस हरियाली भरे माहौल से। देख सकते हो आप, ये है मेरा प्यारा सा सुंदर सा गांव। बच्चों को बाय बाय, बेचारे बच्चे बुरा लग रहा है। कोई नहीं, अब इनको मिलने शिमला जाएगा रॉय को लेके, है ना? फिर रॉय का ये ग्रैंड वेलकम करेंगे वहाँ, क्यों, है ना? ये आरजू भी तैयार, आपको भी तैयार हो गई है। और इसको देखो जरा, हमारा स्कूल बैग वाला लड़का, ये पहले स्कूल जाने से पहले ही तैयार है स्कूल के लिए। स्कूल चले अब बेटा, को बाय बाय जाओ बेटा, दस बार बाय 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 बाय। कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता यार, इस बार आपको जा रही है, फ्रेश हो गए एकदम, निकलने वाले रिजल्ट। अमित और रॉय इधर है, ससुर जी इधर है, हम जा रहे हैं लड़कियों को बाय बाय करने ऊपर ग्राउंड तक। गाइस ये जा रहे हैं हमें छोड़ के बीच मझधार में, ऐसा मत करो यार। और मेरे को दीदी को आजकल इतना अच्छा लग रहा था ना घर में, और ये हमारी पेशेंट बेचारी सुबह सुबह उल्टी मारती है, उठ के ही रात में कपड़े पहनती नहीं है, हीरोइन बनती है घर पे, कुर्ते कुर्ते पहन के और फिर सुबह उठ के उल्टी मारती है। गाइस ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे घर में, कुछ कमेंट किया जाए इन लोगों के लिए। और ये लोग हमें बीच में छोड़ के जा रहे हैं। जय कहाँ जा रहे बेटा, कोई भी क्वालिटी, हमारे घर में हर प्रकार की वैरायटी इंसानों की। फिलहाल आकू की ताई आ गए हैं सारे महाराज के दर्शन करके फिलहाल, और अब ये लोग जा रहे हैं। बाय बाय, टाइम हो गया है, बाय बाय। जी भारी हो गए लड़कियों की, जॉय कर रहा है अपनी बुआओं को। बाबा बाय गाइस, जल्दी मिलते हैं। बाय जाओ, ठीक है, बाय बाय। अभी डेनी अपनी ताई से फाइनल बाय बाय कर रहे हैं बच्चे, अब जल्दी मिलेंगे बच्चों को। तो गाइस आज जा रहे हैं हम लोग हनोल चार मासू महाराज के दर्शन करने, क्योंकि जब भी हम लोग गांव आते हैं तो हम अपने कुल देवता, हमारे तो कुल देवता भी मासू महाराज है, गांव में हमारा छोटा सा मंदिर है महाराज का, लेकिन आज जा रहे हैं हम महाराज के मूल स्थान हनोल। मैं अमित और रॉय को लेके जा रहे हैं हम पहली बार, क्योंकि हम लोगों ने मन्नत मांगी थी कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, डिलीवरी अच्छे से हो जाए, बेबी और मैं एकदम ठीक हो तो हम लोग हनोल आएंगे। तो हम लोग जा रहे हैं आज, और साथ में है सास जी, आज हमारी दोनों सास साथ में जा रही है, और हनोल में है कुछ स्पेशल प्रोग्राम, हम उसके लिए भी जा रहे हैं, हमारी फैमिली से ही रिलेटेड कुछ वहाँ पर होने वाला है, तो इस वजह से भी हम वहाँ जा रहे हैं। तो अभी वो मैं रास्ते में, और मुझे गाइस मेरी सांस फूलने लगती है क्योंकि रास्ते ऐसे हैं, कभी नीचे कभी ऊपर, और ये देख सकते हो आप प्यारा सा गांव का व्यू, मुझे बहुत सुंदर लगता है, ऐसे सीधे सीधे खेत और बहुत अच्छी, आजकल तो गांव में हरा भरा हो रखा है खूब माहौल। तो अमित और ससुर जी चले गए हैं गाड़ी के पास, क्योंकि हमारी गाड़ी गाँव के आंगन में पार्क थी, तो वहाँ से वो सीधे आएंगे डायरेक्ट, यहाँ कैंची बोलते हैं हम एक जगह को जो सीधा गांव के पैदल रास्ते को कनेक्ट करती है आगे। तो सास जी रॉय को इधर से लेके गई थी, तो मैंने भी सोचा मैं भी इधर से पैदल निकल जाती हूँ और साथ में थोड़ा सा ब्लॉग भी बना लूँगी। तो मैं भी इधर से आ गई हूँ, सास जी निकल चुके हैं, अमित और ससुर जी आ रहे हैं पीछे से। तो चलते हैं गाइस और आपको भी दिखाते हैं कि आज की हमारे डे की क्या क्या एक्टिविटीज़ होने वाली हैं, और आपको मैं दिखाती हूँ अपने गाँव का ये सुंदर सा नज़ारा। ये देख सकते हो आप प्यारा सा गाँव, ये देख सकते हो आप हमारे गाँव का सुंदर सा नज़ारा। मैंने एक जगह एक स्पॉट से सोचा कि यहाँ से मैं थोड़ा सा कैप्चर करने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए आप, ये है हमारे प्यारे प्यारे से सीधे सीधे से खेत, और ये है गांव के आसपास का सुंदर सा नज़ारा।
तो गाइस पैदल रास्ते में चलते चलते मुझे दिखे हैं कुछ गांव में ये पंचायती जो बर्तन होते हैं बड़े बड़े, क्योंकि हमारे गांव में थी 2-3 दिन पहले शादी, तो उसमें जो खाना बनाया गया था वो इन बड़े बड़े बर्तनों में बनाया गया था। ये होते हैं पंचायत के बर्तन, मतलब हमारे गांव में जो भी फंक्शन होते हैं सब में ये बर्तन काम आते हैं, क्योंकि गाँव में ऑलरेडी ही तो पूरे गाँव के लिए पंचायत में जो ये बर्तन रखे गए हैं ये सबके फंक्शनों में काम आते हैं। जब भी कोई फंक्शन होता है छोटा बड़ा जो भी हो तो पंचायत के ही बर्तन काम आते हैं। तो अभी मुझे चलते चलते ये दिखे रास्ते में, तो मैंने सोचा कि ना मैं अपने व्यूवर्स को भी दिखाऊं कि ऐसे ये इस टाइप के बड़े बड़े बर्तन गांव में होते हैं जिसमें सबके लिए खाना बनाया जाता है। तो शादी थी कुछ दिन पहले, बहुत अच्छे से शादी संपन्न हुई, हम लोगों ने भी खूब इंजॉय किया। मेरी खुद की शादी के 2 साल होने को कम्प्लीट होने को आए हैं, तो मेरी शादी के बाद मैंने गांव में कोई भी फंक्शन अटेंड नहीं किया था, मतलब शादी से रिलेटेड। तो पहली बार मैंने ये फंक्शन अटेंड किया, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, मतलब सब लोगों से मिलना जुलना हुआ, क्योंकि अभी भी मतलब इन 2 सालों में भी मेरा आना काफ़ी कम रहता है गांव, क्योंकि अब तो बच्चा हो गया, अब तो वैसे ही भी काफ़ी कम है, लेकिन मैं पहले से भी इस रॉय और रॉय की दादी पहुँच चुके हैं। पहले मैं आ रही थी आराम आराम से, ये रहे रॉय रॉय की दादी सामने पे, दादी ने उड़ाया है कम्बल रॉय को जैसे धूप ना लगे, और थोड़ा गांव में अभी भी हल्का सा ठंडा है तो बच्चे को ठंड ना लग जाए। ये लोग बैठे हैं यहाँ पर। हेलो रॉय, हेलो बेटा। रॉय पूरा ब्लू ब्लू जा रहा है आज बन के, और मोस्टली कपड़े रॉय के पास ब्लू ब्लू ही होते हैं। कल तो रॉय और रॉय की दादी ने मैचिंग मैचिंग किया था, आज थोड़ा सा ट्यूनिंग है ही। अमित और ससुर जी भी आ गए हैं गाड़ी में, मुझे हल्की हल्की गाड़ी दिखाई दे रही है, वो भी आ गए, अब सीधा यहाँ मिलेंगे हमको। और रॉय रॉय की दादी भी बैठते हैं गाड़ी में। जी गाइस, अमित पहुंच चुके हैं ससुर जी के साथ, तो रॉय और रॉय की दादी भी निकल गए हैं, बैठते हैं गाड़ी में और निकलते हैं। और नीचे जाके हमारी जहाँ छानी पड़ती है, जहाँ डोगरी बोलते हैं जिसको, वहाँ पे मिलेगी हमें दूसरी दादी रॉय की, तो उनको भी पिक करते हैं और फिर हम भी निकलते हैं मंदिर के लिए। हाँ जी बॉस, आ गए आप लोग, ससुर जी भी आज साथ में है हमारे, तो हम जा रहे हैं। ससुर जी चल रहे हैं आप भी मंदिर, चल रहे हैं आप भी? फाइनली हम लोग निकल चुके हैं अपने गांव से। ये देखिए रॉय अपनी दादी जी की गोदी में आराम से लेटा है। भाई ये बंदे के तो वजह ही कुछ और है। क्यों रॉय, वजह ही कुछ और है, पैम्परिंग होती रहती है इसकी। हमने फर्स्ट जो स्टॉप है हमारा स्टेप फूड, फर्स्ट स्टॉप हमने ले लिया है बड़े महाराज बाशिक महाराज के मंदिर में। हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर, ये है हमारे बाशिक महाराज का मंदिर, और सब लोग आ गए हैं, अमित सास जी, और पैर जल रहे हैं नीचे, इतना गर्म हो रहा है। सबसे पहले मंदिर जाने से पहले धोते हैं हाथ वगैरह, पैर वगैरह धो लेते हैं और चलते हैं महाराज के दर्शन के लिए। ये अमित पहुँच गए हैं पहले, नीचे इतना गर्म हो रहा है गाइस। बोला करो कुछ, सिनेमैटिक ले रही हूँ, सिनेमैटिक ले रही हूँ डफर, इसमें सॉन्ग लगाऊंगी। तो गाइस रॉय और रॉय के पापा का चल रहा है प्यार वाला सेशन, और रॉय हो चुका है इरिटेट अपने पापा से। चलते हैं महाराज के दर्शन के लिए। जय महाराज जी, मेरे बच्चे को हमेशा खुश रखना। रॉय जा रहा है पहली बार अपने पापा और दादी के साथ मंदिर। जय महाराज जी, ब्लेस माय सन, जय हो महाराज जी। अरे बापरे, हेलो रॉय, जय महाराज जी। गाइस हमारे दर्शन हो चुके हैं फुल एंड फाइनल, तो यू को भी टीका लग गया है। ओ माय गॉड, चलो चलो चलो, दर्शन हो चुके हैं और आप ये देख सकते हो कि मेरा टीका कहाँ तक आ गया है पूरा। कहते हैं कि अगर महाराज का टीका बहता चला जाए तो उसे मिटाना नहीं चाहिए, शुभ माना जाता है। तो अंदर तो मैंने मिटाया नहीं, अब देखती हूँ हल्का सा साफ करूंगी, बहुत ज्यादा नीचे आ गया पूरा। फाइनली गाइस यहाँ पर दर्शन हो गए है सबसे बड़े महाराज के, और यहाँ पर थोड़ा फोटो शूट हुआ था मम्मा वगैरह के साथ, नहीं वापसी में बजाते कभी घंटी, जाती बार बजाते सिर्फ। हाँ हाँ, यहाँ का ही थोड़ा ब्यूटीफुल व्यू।
चुके हैं महाराज के दरबार में और नीचे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा रश, गाड़ियाँ वगैरह काफ़ी है। जो मैंने आपको बताया था कि कुछ स्पेशल प्रोग्राम होने वाला है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या है आज। मेरे सास जी जो पीछे बैठे हैं, इनके मायके वाले दे रहे हैं आज महाराज के मंदिर में भंडारा। आज उनकी तरफ से भंडारा है यहाँ पर, तो स्पेशली हम उसके लिए भी जा रहे हैं और महाराज के दर्शन तो हमें करने ही थे, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो हम पहुँच गए हैं, मामा जी लोग वेट कर रहे हैं सुबह से लेकर, हम थोड़ा लेट हो गए थे तो अभी फाइनली पहुँच गए हैं। सबसे पहले माथा टेकते हैं महाराज के दरबार में, फिर उसके बाद मिलते हैं सब लोगों से। गाइस फाइनली हम मंदिर में पहुँच चुके हैं, मंदिर के मेन गेट के पास हम आ गए हैं। रॉय रॉय की दादी, रॉय के पापा पहले पहले चल रहे हैं, पर हमने तो शूज़ पहने, रॉय के पापा ने शूज़ नहीं पहने क्योंकि नीचे हो रहा है बहुत ज़्यादा गर्म। हेलो बेटा, हेलो मामा, तो चलते हैं। ये रहा महाराज का मंदिर, जय महाराज जी। गाइस फाइनली मंदिर में हम लोग पहुँच चुके हैं। जय हम आंसू महाराज जी, सबकी रक्षा करना, सबको बुद्धि देना महाराज। पहुँच गए हैं, चलते हैं अंदर, करते हैं महाराज जी के दर्शन। तो फाइनली हमने माथा टेक लिया, अब भंडारे के लिए जा रहे हैं। ये है मेरा आज का आउटफिट, मैचिंग मैचिंग। तो ये है रास्ता और ये है लंगर, जो लंगर छकते हैं। ये है भंडारा कक्ष, कहाँ है? इसको ना यहाँ से पकड़ना पड़ता है, अभी छोटा भी होता है ना ये। ये है भंडार। फाइनली हमारा माथा मुथा टेक लिया है और महाराज के दर्शन भी कर लिए और महाराज तीर्थ को भी पूछा लिया है, और सब कुछ करने के बाद अब हम फ्री हो गए यहाँ से, अब हम निकलने ही वाले हैं। तो ये है मंदिर परिसर यहाँ का, हनोल का, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक मोटी कलोल ये बोलने लायक नहीं अभी, वो हम बाद में बोलेंगे जब वो और यहाँ पर दर्शन के बाद पता वेट क्यों कर रहे हम लोग, क्योंकि मामा लोग जिनका भी भंडारा था ना, वो थोड़ा देवता देवता को पूछा रहे हैं ना। ये हेल्प करा रहा हूँ, ये देखो ये देखो जो है अपने मामा को बुलाते थे, ये देखो ना, ये देखो जो है कि हरकत कुछ ठीक नहीं है। गाइस जॉय ने पॉटी नहीं करी है, ये सिर्फ इसने खाना नीचे लगा है। तो अब क्या कर रहे हो? करना पड़ेगा भाई, शाम तो हो जाए बंदा भाई ना, चुप रहेगा ना थोड़ी देर में, करना शुरू हो जाएगा। चलते हैं नीचे गाड़ी। लाडा मैंने क्या परेशान किया आपको यार, अपनी मम्मी से ज्यादा बड़े आए ऊपर पापा परेशान।